पूर्ण आरक्षण उसको वैध कहलाएगा और उसी के आधार पर उत्तर प्रदेश की सरकार ने 2007 में आपको अधिकार देने के लिए आपको जो है आरक्षण प्रमोशन में दिया, उसको इस 4 जनवरी को जो फैसला आया है, ये मनोवादी मानसिकता के बैठे लोगों ने जो सुप्रीम कोर्ट की अवमानना करते हुए एक पक्ष भी ना सुने इस लखनऊ खंडपीठ ने जो फैसला दिया है, वह फैसले की हम कड़े शब्दों में निंदा करते हुए महामहिम राष्ट्रपति महोदय को आज आगे जाकर ज्ञापन प्रेषित करेंगे। याचना की और उस पीठ में पूरा टेक्स्ट को मानते हुए ये आरक्षण किसी की पीठ नहीं है, उस पूरा टेक्स्ट की जेल है। हम लोगों ने देश के बंटवारे को रोका और पूरा टेक्स्ट के तहत हम आरक्षण ले रहे हैं। दोस्तों, बगैर किसी भूमिका के, बगैर कोई नाम लिए अपनी बात को शुरू करता हूँ। यहाँ से ग्रामीण अंचल से आई सबसे पहले मेरी माताएं बहने, मेरे हम उम्र साथियों, बुजुर्गो और जो संत समाज यहाँ एकत्रित हुआ है हमें अपना मार्गदर्शन देने के लिए, आज इस रैली का नाम रखा गया आरक्षण बचाओ रैली। परंतु यदि उस पर थोड़ा सा संशोधन कर दिया जाए, एक छोटे से संशोधन की आवश्यकता है, यह आरक्षण बचाओ रैली नहीं है, यह अपितु बचाओ रैली है। उसके अंतर्गत आपका जो विषय का एक पर्चा होता था
एक व्यक्ति ने एक बार प्रश्न नहीं उठाया कि इस देश की सबसे बड़ी परीक्षा में हम उचूल परिवर्तन किए जा रहे हैं, कि क्या होगा हमारे देश के आने वाले भविष्य का, क्या होगा नौकरियों में हमारी नुमाइंदगी का, क्या होगा हमारे कलेक्टर एसपी बनने का सपना रखने वाले नौजवानों का। आपके राजनेता, आपके जनप्रतिनिधि मौन है, इसलिए हमारी लड़ाई एक मोर्चे पर नहीं है, हमारी लड़ाई साथ साथ अनेकों मोर्चों पर है। हमारी लड़ाई मात्र आरक्षण को बचाने की लड़ाई नहीं है, हमारी लड़ाई अपने वजूद को बचाने की लड़ाई है, हमारी लड़ाई संसद और विधानसभा में अपने उन जागरूक जनप्रतिनिधियों को भेजने की लड़ाई है, हमारी लड़ाई नाकारा जनप्रतिनिधियों को आईना दिखाने की लड़ाई। दोस्तों, जो निर्णय आया हाईकोर्ट का, उसमें कहा गया कि यदि राज्य सरकार चाहे तो पदोन्नति आरक्षण, पदोन्नति में आरक्षण जारी रखा जा सकता है, बशर्ते सरकार एक सर्वेक्षण कराए और नागराज केस के केस पर आधारित वो वैज्ञानिक तरीके से इकट्ठा किया गया सब तथ्य सुप्रीम कोर्ट या हाईकोर्ट को उपलब्ध कराए। पर मैं ये कहता हूं कि हमें 2500 साल तक गुलाम रखा गया, यदि यहां का सौर समाज, यहां का दबंग समाज मात्र 2500 साल हमारा गुलाम रह ले, तो हम उनसे पूछेंगे कि आपके गुणवत्ता कहां गई, हम उनसे पूछेंगे सिर्फ 2500 साल के बदले में 2500 साल की बात कर रहा हूं, 2500 साल हमारा गुलाम रह ले, जो गुणवत्ता की दुहाई देते हैं हम 2500 साल उन्हें गुलाम रखने के बाद पूछेंगे कि तुम्हें आरक्षण चाहिए गुणवत्ता के आधार पर आ जाओगे। दोस्तों, बात मात्र यहां नहीं आकर रुकती, यदि वो न्यायपालिका वो कोर्ट ऐसा सर्वेक्षण चाहता है तो क्यों हमारी सरकार मौन है, क्यों इस बात को नहीं कहती कि सामाजिक विषमताएं जो कि क्यों है, हमारा उत्पीड़न जो का क्यों है। बहुत दूर का उदाहरण लेने की जरूरत है, मैं तो महाराज खैलान जी की बात कर रहा था, आपके मौलिक अधिकारों का हनन हुआ आपके पड़ोस में इस सड़क दूधली में, जब आपकी जयंती को रोक दिया गया तब हमारे ये सामाजिक उत्पीड़न खतरों में आपकी जयंती रोक दी गई, हमारे मौलिक अधिकारों का हनन होता रहा, तब ये न्यायपालिका क्यों मौन थी, तब ये राजनेता क्यों मौन थे, तब ये जनप्रतिनिधि क्यों मौन थे। दोस्तों, हमारी लड़ाई मात्र न्यायपालिका से नहीं है, हमारी लड़ाई वो गृह युद्ध है, एक तरफ तो हम सीमा के उस पार के दुश्मन को देखते हैं, दूसरी तरफ पीछे झांक के देखते हैं तो हमारे जागरूकों का दलित समाज, यहाँ का पिछड़ा समाज अभी समाज के उस स्तर पर नहीं आ पाया है, तो क्या न्यायपालिका संविधान से ऊपर हो गई, केशवानंद भारती बनाम सरकार के केस में सुप्रीम कोर्ट ने खुद कहा कि संविधान के मूलभूत ढांचे के साथ कोई भी छेड़छाड़ बर्दाश्त नहीं की जाएगी, जब हमारे मौलिक अधिकारों का हनन हो रहा है, संविधान के मूलभूत ढांचे को नेस्तनाबूत किया जा रहा है, तब ये न्यायपालिका क्यों मौन है, तब ये न्यायपालिका अपनी सीमा अपने अधिकारों के बारे में क्यों नहीं सोचते। दोस्तों, संचार को बहुत ज्यादा हो गया, मैं तो बात को और भी कहना चाहता था, परंतु सबकी भाषाओं को, सबकी भावनाओं को ध्यान में रखते हुए मैं एक बात कहना चाहता हूँ, मेरा गृह नगर है देवबंद, देवबंद से अक्सर फतवे जारी हुआ करते हैं, मैं देवबंद की एक बात कहकर अपनी बात को खत्म करूंगा, मैंने कहा कि हमारी लड़ाई एक मोर्चे पर नहीं है, हमारी लड़ाई उस 2500 साल तक जो हमें गुलाम रखा गया, हमारी लड़ाई जो हमें राजकाज के कार्यों तक, राजकाज के कार्यों से वंचित रख के कुछ हे दृष्टि से देखे जाने वाले देशों तक सीमित रखा गया, हमारी लड़ाई उसके खिलाफ है, हमारी लड़ाई घर में छुपे दुश्मनों के खिलाफ है, इसलिए अपनी बात यही कह के खत्म करता हूं कि सबको रुसवा बारी बारी किया करो, सबको रुसवा बारी बारी किया करो, हर मौसम में फतवे जारी किया करो, सबको रुसवा बारी बारी किया करो, हर मौसम में फतवे जारी किया करो, और दोस्तों, कतरा 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 शबनम गिनने से कुछ नहीं होगा, दरियाओं की दौड़े जारी किया करो। प्रदेश के महामंत्री हैं।